नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, बड़े सारे दर्शकों की डिमांड आ रही थी कि एक विनय कपूर हैं जो पाकिस्तानी हिंदू हैं और वो भारत आए हैं, उनके व्लॉग्स पर आप रिएक्शन दीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है। तो भाई, इनका व्लॉग जो पहला है, फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू गोइंग दिल्ली टू अयोध्या इन न्यू वंदे भारत ट्रेन। तो भाई, एक पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं बट पाकिस्तानी हैं, तो वो वंदे भारत में, हमारी जो सबसे अच्छी ट्रेन है, मेड इन इंडिया ट्रेन है, उसमें ये सफ़र करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि क्या एक्सपीरियंस रहा ये देखना, और ये वापस जाकर जब पाकिस्तान में लोगों को बताएंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। चलिए देखते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आ चुका हूँ दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से मैं जाने वाला अयोध्या। तो आप लोगों को जो है इस पूरी सारी जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं, काफ़ी पीछे यात्री जो है वो रेलवे स्टेशन पे अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है, तो देख सकते हैं ये है मॉर्निंग का समय और काफ़ी यात्री यहाँ पे जो वो रात को रुके हुए हैं, स्टे भी कर रहे हैं। और ये है बाहर का व्यू, और सर्दी भी काफ़ी हो रही है, काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो मैंने भी जैकेट वैकेट पहन लिया है और अपना सामान वाला बैग इसमें रखेंगे और आगे की तरफ से उठाएंगे और इस तरह से उठा रहे हैं। हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, वंदे भारत मेड इन इंडिया ट्रेन। ये है रेलवे स्टेशन का व्यू। अभी हम न्यू दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ये है वंदे भारत ट्रेन जो कि मेड इन इंडिया ट्रेन है, और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं अयोध्या धाम की तरफ। ये है वंदे भारत ट्रेन जो कि मेड इन इंडिया है, और अंदर से लुक जो है वो बहुत मस्त है, फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं। और अभी हम खड़े हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ। तो देख सकते हैं मॉर्निंग का समय है और 5:36 हो रहे हैं, और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं अयोध्या धाम की तरफ। तो आप लोगों को जो रेलवे स्टेशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का रेलवे स्टेशन है दिल्ली का। देख सकते हैं सभी यात्री इंतज़ार कर रहे हैं अयोध्या धाम जाने के लिए। ये है ट्रेन, ये फर्स्ट केबिन है। तो फ्रेंड, दिल्ली और अयोध्या तक की आपको पूरी जर्नी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है और कमेंट्स में लिख देना जय श्री राम। फ्रेंड्स, 5:47 हो चुके हैं और अब जो ट्रेन के दरवाजे खोल दिए गए हैं आम पब्लिक के लिए, अब वो धीरे धीरे जाके अपनी सीट्स पर बैठ सकते हैं। जय श्री राम। फ्रेंड्स, फाइनली ट्रेन के अंदर एंटर कर चुके हैं और ट्रेन अंदर से काफ़ी खूबसूरत और बहुत बढ़िया साफ़ सफाई का ख्याल रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को जो अंदर से भी ट्रेन का व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे गेट वगैरह हैं जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, और ये भाई यहाँ का व्यू। तो खुल चुका है डोर आगे की ओर, तो काफ़ी रेलवे के अंदर साफ सफाई का ख्याल रखा हुआ है और सीट भी कंफर्टेबल है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, तो पैर वैर भी रख सकते हो, और ये है कुछ ऐसा सिस्टम। और अभी हमें थोड़ी सी भूख लगी है, तो हम अब खाने वाले सैंडविच जो कि हमने बाहर से परचेज़ किया था गाड़ी वाले देंगे, लेकिन अयोध्या से मतलब दिल्ली से जा रही है अयोध्या की तरफ, तो कानपुर जब पहुँचेंगे तब खाना मिलता है। और ये केसर वाला दूध, क्योंकि बच्चे जो काले हों वो ये दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है कुछ। तो फ्रेंड्स, ट्रेन अभी जा रही है 150 की स्पीड से, लेकिन फील नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल स्पीड में जा रही है। ये देखो, मेरा सैंडविच भी नहीं हिल रहा, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो गाइस, इसमें आप न्यूज़पेपर का भी आनंद ले सकते हैं, आनंद विहार से चले ना इसलिए आनंद ले सकते हैं। मेरी हिंदी कटिना कैफी तरह भाई नहीं ले सकते, सॉरी गाइस। अभी टाइम हो चुका है चाय का, तो अभी चाय ये देख सकते हैं, हर पैसेंजर को चाय मिल रही है। गाइस, चाय की बारी आ चुकी है हमारी, चाय है।
फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, इस वजह से मैंने कैप पहनी हुई है और अभी चाय का समय हो चुका है। तो ये मिली है पाउडर वाली चाय, जिंजर वाली, और इसको जो मैंने गर्म पानी के अंदर मिक्स करके चाय बना दी है और टेस्ट करता हूँ। अच्छा टेस्ट है। और ये बिस्किट मिले हैं, तो जिस जिसने चाय पीनी आ जाओ भाई, ये सभी लोग चाय पी रहे हैं। और ये जो चाय, शायद जो चाय का मिक्स है, ये चायोस एक कहें ब्रांड है, चेन है, अलग अलग तरीके की चाय मिलती है इनके, मतलब शॉप्स भी हैं चायोस के, वहाँ पर जाइए बैठिए, कैफ़े टाइप का होता है, चाय पीजिए कुछ खा लीजिए। तो ये चायोस उन्हीं का है ये शायद। तो भाई वंदे भारत में सफ़र करने वालों, आप मुझे बताइए क्या ये बात सही है कि भाई वो चायोस का ही होता है वो जो मिक्स मिलता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स अभी खाने का समय हो चुका है, तो खाना देने वाले भाई आ चुके हैं। तो खाने में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जिंजर वाली चाय है जो ऑलरेडी हमने पी ली है, और ये केक है, और ये है दही, और ये है कटलेट, और ये आलू की सब्ज़ी है, और ये है पूरियाँ, चार पूरियाँ हैं। पूरियों से मेरे को पता नहीं क्या क्या होता है, बट आज ट्राई करूँगा। और केचप भी है, एक चम्मच भी है, और ये सबको खाना दिया जा रहा है। पहली बार सफ़र कर रहा हूँ मैं वंदे भारत ट्रेन से, और खाना टेस्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट है कटलेट का। ये चम्मच लकड़ी का, अच्छा है। तो गाइस आप भी आ जाओ खाना खाने। सो फ्रेंड्स फाइनली हम कानपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी है, बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला, वरना मैं आप लोगों को स्टेशन दिखाता, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। सो गाइस अभी नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है लखनऊ। खाना काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है, जैसे घर का बना खाना है वैसे खाना लग रहा है। और इस तरफ सभी लोग खाना वाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स अभी पहुंच चुके हैं लखनऊ, और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते बिकॉज गाड़ी 1 से 2 मिनट रुकती है, और ये है लखनऊ का स्टेशन। गाइस अंदर आ चुके हैं बिकॉज गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकती है, तो रिस्क होता है, फिर ऑटोमेटिक डोर है तो खुलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, इससे बेटर है कि हम चलते हैं वापस। और यहाँ पर जो सभी डोर हैं वो लॉक्ड होती है, इस तरीके से प्रेस करोगे तो खुलेंगे। तो गाइस अभी हम लखनऊ क्रॉस कर चुके हैं, और सुबह हम 6:10 से जो वो आनंद विहार दिल्ली से ट्रेन हमारी चली थी, वंदे भारत ट्रेन, जो कि मेड इन इंडिया ट्रेन है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, मतलब के ऑटो लॉक जो है वो डोर होते हैं, मतलब डोर जो है ऑटो लॉक होते हैं, और इसके जो स्टॉप्स वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और तो इस गाड़ी के अंदर आप चार्ज भी कर सकते हैं। और दिल्ली से जो है वो अयोध्या के लिए फर्स्ट एसी का 1500 रुपये रेंट है, उसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम जो है मॉर्निंग में जो है वो 8 बजे के करीब चाय मिलेगी, उसके बाद पानी दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, वो आप लोगों को मैंने दिखाया था, और उसके बाद जो है फिर लंच का टाइम आएगा, वो भी आने वाला है। तो अभी जो हम लखनऊ से क्रॉस करके आगे बढ़े अयोध्या धाम की तरफ, और मैं आपको जो है इस गाड़ी के जो जो फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये है ट्रेन के अंदर का व्यू, काफ़ी साफ़ सफाई है, और अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो सब लोगों को जो है लंच दिया जा रहा है, और जगह जगह आपको जो है ऐसी LCD मिलेगी, इसके अंदर पूरा रूट दिखाया गया है, और टाइम और स्पीड जो है वो चलती रहती है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेशन है वो आने वाला है अयोध्या धाम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी आप गए हैं या फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ठीक है, ओके जी, बट पूरा जो है हम अच्छे से जय श्री राम के नाम लगाते हुए जाते हैं। फिर अयोध्या धाम में देख सकते हैं खाना आ चुका है हमारा, और इस तरफ जो है वो खाना पैक किया जा रहा है, बिल्कुल ही साफ सफाई के साथ खाना वगैरह पैक किया जाता है। और ये देखें, और ये हमारे मैम है, और ये देख लो गाइस बाहर का व्यू, काफ़ी फास्ट ट्रेन है, और फुली जो है वो ऑटोमेटिक डोर होते हैं, ये आप प्रेस करोगे तो खुल जाएंगे, प्रेस करते हैं डोर जो खुल जाते हैं, और जगह जगह आपको चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, तो आप इजीली अपना सेल फोन चार्ज वगैरह कर सकते हो। सो फ्रेंड्स तकरीबन 150 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन भागती है, लेकिन फील नहीं होता कि मतलब कितनी स्पीड के साथ जा रही है। तो
काफ़ी अच्छी ट्रेन है फ्रेंड, देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है मैम आपका? प्रीति। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? अयोध्या जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हो? पहले भी गए हो? पहली बार जा रही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे रातों में सपने आने लगे थे राम जी के। अच्छा, मतलब आप बहुत बड़े राम भक्त लग रहे हो। बहुत बड़ी। अच्छा, राम जी के पास दर्शन करके मुझे फाइनली मेरे को ऐसे तसल्ली अच्छा। मिलेगी। तो आप कितने बजे बैठे थे ट्रेन में? मैं सुबह 6 बजे बैठी थी। अच्छा, हाँ जी। सही है, चलो भगवान जी जो आपकी मनोकामना है वो पूरी करे। हाँ, और आई विश की जो भी लोग वहाँ पे जाए सबकी मनोकामना पूरी हो, सबको राम जी बुलाए हमारी तरह जैसे हम लोग जा रहे हैं आज। और देखो हमने इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाया है। अच्छा, तो मैंने भी पहली बार इस ट्रेन में सफ़र किया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे साफ सफाई देख के। हाँ, और खाना भी पहली बार इतना टेस्टी मिला मुझे और... बहुत अच्छा लगा, फ्लाइट वाली फील आई क्योंकि ऐसे सीट वगैरह फ्लाइट में ही होते थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से जा रहे हैं और तो... दर्शन हो जाए अच्छे से। मंदिर के बारे में मतलब आपका क्या कहना, मतलब कैसा लग रहा है? वो तो हम मंदिर जाके पता पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो सिर्फ फीलिंग है। ठीक है मैम, धन्यवाद, आप खाना वाना खाएं। और बस सो फ्रेंड्स, अभी 1:20 हो चुके हैं और लंच का टाइम हो चुका है। तो लंच में हमें मिला है मिक्स वेज है, और ये चावल है, दाल और पनीर, मटर पनीर है, और ये स्पंज पहली बार मैं खाऊंगा, और ये दही है। खाना काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है, जैसे घर का बना खाना है वैसे खाना लग रहा है। और इस तरफ सभी लोग खाना वाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रेन के वॉशरूम में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी जो है साफ सफाई का ख्याल रखा गया है, और इस तरफ सैनिटाइज़र है, और ये देख सकते हैं लॉक, और ऊपर पूरा नीचे तक जो है क्लीन व्यू है। नेक्स्ट स्टेशन अयोध्या कैंट। अयोध्या पहुंच चुके हैं, तो ये हमारी ट्रेन थी वंदे भारत, और बहुत अच्छा सफ़र रहा, तकरीबन जो है वो 2:00 हुए और अभी हम अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। और फर्स्ट टाइम मैं अयोध्या आया हूं और अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूं, तो अभी जो है वो आप लोगों को अयोध्या धाम के दर्शन करवाएंगे। ये है अयोध्या कैंट स्टेशन, और स्टेशन से हम बाहर आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। गाइस अभी दोपहर का समय है और देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है अयोध्या कैंट स्टेशन, और बहुत बढ़िया लग रहा है राम जी की पावन धरती पे आकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा, मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सपोर्ट करना, ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया, और इनका और वीडियो मैं देखता हूँ, और कोई अगर मंदिर वाला वीडियो होगा तो उस पर भी रिएक्ट ज़रूर किया जाएगा। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर इनका काम चेक कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियो जो था वो इसलिए अच्छा है क्योंकि एक तो ये पाकिस्तानी हैं, दूसरा ये पाकिस्तानी हिंदू हैं, और तीसरा ये कि जब वापस पाकिस्तान जाएंगे इस ट्रेन में बैठने के बाद अपनी यादों को बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, वहाँ पर कभी अगर ये ट्रेन में सफ़र करें और इनके आसपास लोग बैठे हों और उनको ये बताएं कि यार पता नहीं पाकिस्तान में देखो 76 ईयर्स हो गए हैं और हमारी ट्रेन कैसी है, और एक मैं अभी इंडिया गया था या कभी इंडिया गया था वहाँ पर मैंने मेड इन इंडिया ट्रेन जो है वंदे भारत उस पर सफ़र किया और उसमें ये था ऐसे था वैसे था, तो सोचिए कि क्या फ़र्क पड़ेगा। मज़ा इस बात में नहीं है कि आप अपनी चीज़ देखकर खुश हो, मज़ा इस बात में है जो पूरी दुनिया उस चीज़ को देखकर सराहे, कहे कि यार क्या चीज़ बनाई है। तो वंदे भारत ट्रेन ये है, और जो प्रमोशन आप टीवी पर दिखाकर मोबाइल पर दिखाकर करेंगे उससे कहीं ज़्यादा प्रमोशन होती है माउथ टू माउथ, जबान से जब वो चीज़ निकलती है अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, आप जाके 10 लोगों को कहोगे, वो 10 लोग 10 लोगों को और कहेंगे, फिर ये चेन रिएक्शन बनता जाता है, और उस
प्रोडक्ट की या उस चीज़ की या उस घटना की चर्चा जो है वो फैल जाती है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जब सुनेंगे विनय भाई के ज़बान से कि भाई ऐसी ट्रेन थी, उसमें ये फैसिलिटीज़ थी, खाना बहुत बढ़िया था, ट्रेन की स्पीड इतनी थी, स्पीड मुझे नहीं लगता कि 150 की स्पीड में कोई पाकिस्तान में ट्रेन चलती होगी, 150 में तो हमारे यहाँ भी नहीं चल रही थी कोई, 140 आई थिंक शताब्दी थी आई थिंक शायद, और बड़ा ही मज़ेदार है। रही बात अयोध्या की, तो देखिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदू होगा, किसी भी कोने में, वो अयोध्या से उसका जुड़ाव होगा, अयोध्या से उसका कनेक्शन होगा, रामलला से उनका उसका कनेक्शन होगा, क्योंकि ये धरती भगवान राम की है और हम उस धरती पर रहने वाले हैं, और वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो बहुत कुछ है, आप इस बात को समझिए, वो सिर्फ भगवान नहीं है। ये बात एक हिंदू ही फील कर सकता है, कोई और शायद फील ना करे, लेकिन वो बात हिंदू फील कर सकता है क्योंकि हिंदू जानता है कि भगवान राम कौन है। तो आप उनको एक मूर्ति में या एक उनको तस्वीर में, वो तो सिर्फ डिपिक्शन के लिए है कि भाई ऐसे थे, असल जो चीज़ है ना उनके विचार, उनके द्वारा किए गए काम, वो अपनी प्रजा के लिए क्या करते थे। भगवान राम ना सिर्फ उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक हैं जो सत्ता में हैं, चाहे कोई भी हो, सत्ता मतलब जो भारत देश को संभाल रहा है, वो उस समय राजा हुआ करते थे, आज पीएम है या सीएम है या मतलब किसी भी प्रदेश के, या डीएम है, वो जिले का मालिक है, उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायक है कि कैसे काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सच का क्यों साथ देना है, अधर्म का साथ नहीं देना है, अधर्म के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है, ये सारी चीज़ें। तो कुल जमा वीडियो बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ा आया, और मेरा तो क्या है, अयोध्या का क्या है कि मैं जब घर जाता हूँ अपने गाँव, तो मैं गाड़ी से ही जाता हूँ, तो मैं हमेशा अयोध्या के रास्ते ही होके जाता हूँ, प्रभु राम के उनकी उनकी धरती से गुजरे बिना जा नहीं सकता मैं वहाँ से, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता जाना भी नहीं है भाई। आप सोचिए कि जब आप घर जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, और आते जाते आप उसी रास्ते से जा रहे हैं, उस नगरी से होके जा रहे हैं, अयोध्या नगरी से, वही बहुत बड़ी बात है। तो साल में 2 बार मैं घर जाता हूँ, तो 2 से 3 बार तो आना जाना लगा ही रहता है अयोध्या। अयोध्या कभी ऐसे नहीं गया मैं, और ये मैंने प्रण किया था कि जब मंदिर बनेगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं अयोध्या, तो अभी तक तो मौका नहीं मिल पाया जाने का, अब भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो चूंकि बच्चों के साथ जाना होना होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए 4-6 महीने में, तब मैं जाऊँगा। और वहाँ से कई बार गुजरा हूँ मैं, लेकिन रामलला को टेंट में देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी कि इसलिए मैं गया नहीं, तो मैंने ये प्रण लिया हुआ था कि भाई जब मंदिर बन जाएगा तभी जाएंगे देखने, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि हम सब जाएंगे पूरे घर वाले और रामलला के दर्शन करके आएंगे। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।